हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड। तो हमारा जो नाइट्रोजन है, इट फॉर्म्स डिफरेंट ऑक्सो एसिड्स, जैसे कि H2O2 N2 HNO2 दैट इज नाइट्रस एसिड एंड HNO3 दैट इज नाइट्रिक एसिड। तो एक बार हम इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो हमारा H2N2O2 है, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। फिर आता है हमारा नाइट्रस एसिड, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। फिर आता है हमारा नाइट्रिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से कुछ एग्जिस्ट करता है। तो ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें से जो हम डिस्कस करेंगे HNO3 को। तो यहाँ पे HNO3 जो है हमारा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसकी हम प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो लैब में जो आपका नाइट्रिक एसिड है, उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे? By heating the KNO3 or NaNO3 and concentrated H2SO4 in a glass retort. तो एक glass retort एक instrument होता है, एक apparatus है lab का, उसमें आप NaNO3 और H2SO4 को heat करो, तो आपको क्या मिलेगा? NaHSO4 plus HNO3. तो इस तरीके से आपका यहाँ पे lab में HNO3 जो है वो prepare हो जाएगा। अगर आपको इसको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है, तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूज होता है, जिसका नाम है ऑसवर्ड्स प्रोसेस। तो ऑसवर्ड प्रोसेस का यूज होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द HNO3। दिस मेथड इट इज बेस्ड अपॉन द कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3 बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में NH3 जो है हमारी, हम उसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, और कैटलिस्ट क्या होगा हमारा? प्लेटिनम और रोडियम गॉच। And the pressure will be around 9 bar at the temperature 500 Kelvin. तो ये हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? NO plus H2O. अब जो ये हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, ये क्या करेगा? ये फर्दर कंबाइन करेगा हमारा ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? हमें मिल जाएगी यहाँ पे NO2. तो इस तरीके से NO जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, this is going to give NO2. अब जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी फॉर्म हुई है, वो क्या करेगी? इट विल डिसॉल्व इन वाटर एंड दिस इज गोइंग टू गिव HNO3। तो NO2 हमारी वाटर में जाएगी और हमें HNO3 प्लस NO यहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑसवर्ड प्रोसेस है, जिसमें पहले आपकी जो NH3 है वो ऑक्सीजन के साथ आप उसको हीट करिए, उसकी ऑक्सीडेशन करिए, कैटलिटिक ऑक्सीडेशन। उसके बाद क्या होगा? वो NO में कन्वर्ट होगी। फर्दर NO जो है हमारे, वो कंबाइन करेगा विद ऑक्सीजन सो एज टू गिव NO2। अब जो ये NO2 है, ये डिसॉल्व करेगी वाटर में ताकि HNO3 मिले। तो इस तरीके से आप HNO3 को लार्ज स्केल पे ऑसवर्ड प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अब जो आपकी यहाँ पे NO फॉर्म हुई है, उसको आप वापस रिसाइकिल कर सकते हैं, और आपका जो एक्वस HNO3 है, उसको आप कंसनट्रेट कर सकते हैं बाय डिस्टिलेशन अप टू 68% बाय मास। मतलब आप उसको फर्दर जो है उसकी कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्दर कंसेंट्रेशन टू 98%, अगर आपको अब 98% तक करनी है इसकी कंसेंट्रेशन, सो दिस कैन बी डन बाय डिहाइड्रेशन विद द कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो आप इसकी डिहाइड्रेशन करोगे जब H2SO4 के साथ, तो आपको ऑलमोस्ट 98% तक इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज। तो जो हमारे ये HNO3 है, ये कलरलेस लिक्विड है, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट इज 231.4 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 355.6 केल्विन। जो लैब में आप नाइट्रिक एसिड यूज करते हो, उसके अंदर क्या है? 68% ऑफ HNO3 बाय मास इट इज प्रेजेंट, एंड इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, दैट इज अराउंड 1.504। अब जो हमारी HNO3 है, अगर वो गैसियस स्टेट में है, तो इट एग्जिस्ट इन द प्लेनर मॉलिक्यूल। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करती है, जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है, ये हमारी गैसियस नाइट्रिक एसिड है। तो इस तरीके से गैसियस नाइट्रिक एसिड हमारी ऐसे एग्जिस्ट करेगी। अब क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में नाइट्रिक एसिड जो है हमारी, इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट गिव्स द हाइड्रोनियम एंड नाइट्रेट आयंस। तो जब इसको वाटर में डालेंगे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगी, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू H3O प्लस प्लस NO3 माइनस। अब जो कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, ये क्या है? इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
आपकी कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ये मेटल्स को अटैक करती है एक्सेप्ट दी नोबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम. तो बाकी मेटल्स के ऊपर ही अपना रिएक्शन शो कर सकती है पर हमारे जो गोल्ड और प्लेटिनम है उनके साथ ही रिएक्ट नहीं करती. अब आती है हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो प्रोडक्ट होता है हमारा ऑक्सीडेशन का, क्योंकि HNO3 ऑक्सीडेशन में हेल्प करती है, तो जो प्रोडक्ट होगा आपका ऑक्सीडेशन का वो डिपेंड करेगा कि आपके एसिड की कंसेंट्रेशन क्या है, जैसे और टेम्परेचर क्या है, आप कौन सा नेचर ले मेटेरियल का नेचर क्या है जो मतलब दैट इज अंडरगोइंग द ऑक्सीडेशन. तो जब आप कॉपर को HNO3 और डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट प्लस NO और साथ में वाटर तो बनेगा ही. तो यहाँ पे डाइल्यूट HNO3 के साथ जब कॉपर रिएक्ट करेगा तो NO फॉर्म होगा. अगर हमारा कॉपर कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस तो बनेगा ही बनेगा और यहाँ पे अब हमारा NO ना बन के NO2 जो है वो फॉर्म हो जाएगा. तो इस तरीके से ये कॉपर की रिएक्शन होगी. ऐसे ही अगर आप जिंक को रिएक्ट कराते हैं विद द डाइल्यूट HNO3 एंड कंसेंट्रेटेड HNO3 तो क्या होगा कि जब आप डाइल्यूट HNO3 के साथ जिंक की रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे जिंक नाइट्रेट मिलेगा, वाटर और साथ में N2O मिलेगा. तो नेक्स्ट इज जब जिंक को आप कंसेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराओगे तो आपको यहाँ पे जिंक नाइट्रेट प्लस वाटर प्लस NO2 मिलेगा. तो जैसे ही आपके एसिड की कंसेंट्रेशन वेरी करती है उसके अकॉर्डिंग आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो वेरी करता है. अब आपके कुछ मेटल्स जैसे कि क्रोमियम, एल्यूमिनियम, तो ये क्या है, दे डू नॉट डिसॉल्व इन द कंसेंट्रेटेड HNO3. क्यों? क्योंकि जब इनको कंसेंट्रेटेड HNO3 में अगर डाला जाए तो क्या होगा कि इसके ऊपर फॉर्मेशन हो जाएगी पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ओवर इट्स सर्फेस. मतलब एक ऑक्साइड की जो फिल्म है वो इसके ऊपर जो है वो आके फॉर्म हो जाएगी. इस वजह से ये हमारे कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व नहीं करते. कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है हमारा वो क्या करता है, इट कैन ऑक्सीडाइज दी नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स टू. जैसे आयोडीन को ऑक्सीडाइज करेगा आयोडिक एसिड में, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर को H2SO4 में, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में. तो आपने यहाँ पे आयोडीन लिया और उसको HNO3 के साथ रिएक्ट किया, HNO3 क्या करेगा, आयोडीन को यहाँ पे आयोडिक एसिड में चेंज कर देगा, दैट इज HIO3 और साइड में आपको क्या मिलेगा, NO2 प्लस वाटर. ऐसे ही कार्बन को वो CO2 में चेंज कर देगा और साथ में वाटर और NO2. सल्फर को इसके पास टेंडेंसी है कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देगा और साथ में NO2 और वाटर हमारा रिलीज होगा ही होगा, मतलब ये बनेगा ही बनेगा. और ऐसे ही अगर फॉस्फोरस लेते हो तो उसमें H3O4 H3PO4 plus NO2 plus water जो है वो फॉर्म हो जाएगा. तो इस तरीके से आपकी ये reactions होंगी. अब आता है सबसे important हमारा brown ring test. You will get a chance to perform this test in your lab too. So this is the familiar brown ring test. It is used for the nitrates depending upon the ability of Fe2 plus to reduce nitrates to nitric oxide. तो जो Fe2 plus है हमारा ये क्या करता है, nitrates को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस करेगा. एंड दिस रिएक्ट्स विद द Fe2+ सो एज टू फॉर्म अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स. तो दिस टेस्ट इज यूजुअली कैरीड आउट बाय एडिंग द डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन. मतलब फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसको आपने एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रेट आयन, मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है उसमें ऐड कर दिया. अब क्या किया आपने, आपने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसमें टेस्ट ट्यूब के साइड्स पे आपने डाला. अब क्या होगा कि जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को टेस्ट ट्यूब की साइड पे ऐड करोगे तो क्या होगा कि एक ब्राउन कलर की रिंग जो है वो फॉर्म हो जाएगी बिटवीन द सॉल्यूशन एंड सल्फ्यूरिक एसिड लेयर. सो ये किसका इंडिकेशन होगा कि यहाँ पे हमारा नाइट्रेट आयन जो है वो प्रेजेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि Fe2+ नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा विच फर्दर रिएक्ट्स विद Fe2+ सो एज टू फॉर्म अ ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स. तो जैसे यहाँ पे हमारा ये रिएक्शन है, ये NO3- हमारा Fe2+ के साथ रिएक्ट करेगा तो इसको NO में कन्वर्ट करेगा, खुद Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा. अब क्या होगा, यहाँ पे हमने लिया FeH2O6 2+, ये NO के साथ रिएक्ट करेगा
और यहाँ पे क्या बना देगा, एक ब्राउन कलर का ये कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से इस ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स की वजह से जो आपका ब्राउन कलर आता है बिटवीन द इंटरफेस, तो आपको वो दिखाई देने लगेगा। इसके पिक्चर में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। सो दिस इज द, आप यहाँ पे देख सकते हो ये ब्राउन रिंग टेस्ट, ये आपको ब्राउन कलर की रिंग दिख रही है दिस वन, तो ये हमारे ब्राउन रिंग टेस्ट ही है। तो इससे कंफर्म होता है हमारे नाइट्रेट आयंस प्रेजेंट है। ये हमारा टेस्ट था यहाँ पे। अब इसके यूजेस क्या है नाइट्रिक एसिड के, तो मेजर यूज जो है इसका, इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट फॉर फर्टिलाइजर्स एंड अदर नाइट्रेट्स फॉर देयर यूज इन द एक्सप्लोजिव्स एंड पायरोटेक्निक्स। इसका यूज हम करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड अदर ऑर्गेनिक नाइट्रो कंपाउंड्स। एंड द अदर मेजर यूजेस आर इन द पिकलिंग ऑफ द स्टेनलेस स्टील, एचिंग ऑफ मेटल्स एंड एज एन ऑक्सीडाइजर इन द रॉकेट फ्यूल्स। तो ये इसके कुछ यूजेस हैं जहाँ पे इसको आप यूज कर सकते हैं। तो इसको आप स्टेनलेस स्टील की क्लीनिंग के लिए, मेटल्स की एचिंग के लिए, ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल्स, फॉर द मेकिंग ऑफ द फर्टिलाइजर्स, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, इट्स प्रॉपर्टीज, इट्स प्रिपरेटरी मैथड्स। थैंक यू।